हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम DSSB PGT हिंदी 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, गद्यांश के प्रश्नों को देखते हैं। प्रेमचंद मूलतः किस जीवन के रचनाकार हैं? सही उत्तर है कृषक जीवन। किसान की भूमि से आत्मीयता का चित्रण हुआ है? सही उत्तर है रंगभूमि में। किसान मजदूर बनने पर विवश है? सही तरह गोदान में। नारी पराधीनता को चित्रित किया गया है? सही तरह सेवा सदन में। सेवा सदन की नारी पात्र का नाम है? सही तरह सुमन। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है? सही तरह गोत्र। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है? सही तरह दांत। अद्वितीय का अर्थ है? सही तरह जिसके समान कोई दूसरा ना हो। सदानंद का संधि विच्छेद होगा? सही उत्तर है सदा सत्य जोड़ आनंद। सही उत्तर है सत्य जोड़ आनंद। अगला प्रश्न, यथा क्रम में समास है? सही उत्तर है अव्यय भाव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? सही उत्तर है पहाड़। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सही उत्तर है अभिलाषा। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं वाक्य कैसा है? सही उत्तर है सरल वाक्य। ओह मेरा सिर फटा जा रहा है वाक्य है? सही उत्तर है विस्मयवाचक। मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है वाक्य में अशुद्ध अंश है? सही उत्तर है श्री आनंद कुमार जी। इंद्र का पर्यायवाची है? सही उत्तर है सुरपति। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? सही उत्तर है भास्कर। पर्वत का पर्यायवाची है? सही उत्तर है भूधर। आकर्षण का विलोम है? सही उत्तर है विकर्षण। प्रस्तुत का विलोम होगा? सही उत्तर है अप्रस्तुत। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? सही उत्तर है विद्यापति। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस इतिहासकार ने कहा? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? सही उत्तर है अबुल हसन। अगला प्रश्न, सूर सागर में वर्णित श्री कृष्ण की लीलाओं का मूलाधार श्रीमद् भागवत का कौन सा स्कंद है? सही उत्तर है दशम। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? सही उत्तर है वल्लभाचार्य। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? सही उत्तर है मधुवालती। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी अनुवाद किसने किया है? सही उत्तर है गोविंद सिंह। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है? सही उत्तर है चिंतामणि को। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? सही उत्तर है मिश्रबंधु। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब मनाया जाता है? सही तरह विक्रम संवत 1456। कबीरदास के पश्चात कबीर की गद्दी का उत्तराधिकारी कौन बना? सही तरह धर्मदास। कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? सही तरह धर्मदास। निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता है? सही तरह ईश्वरदास। निम्नलिखित में से कौन से प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? सही तरह वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है, यह कथन किसका है? सही तरह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? सही उत्तर है रमैनी।
निम्नलिखित दोहे में कौन सा अलंकार है? सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिये, अनंत दिखावनहार। सही तरह यमक। किस कवि की गणना अष्टचाप के कवियों में नहीं की जाती है? सही तरह नरोत्तम दास। यह कथन किसका है? वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। सही तरह पंडित रामचंद्र शुक्ल। किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? सही तरह राधा वल्लभ संप्रदाय। राग गोविंद के रचयिता का नाम बताइए? सही तरह मीराबाई। निम्नलिखित में से कौन सा कवि विट्ठल नाथ जी का शिष्य है? सही तरह चतुर्भुज दास। भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक है? सही उत्तर है उद्धव। अष्टजाप के कवियों में पिता पुत्र कौन है? सही उत्तर है कुंभनदास चतुर्भुजदास। यह कथन किसका है? भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। सही उत्तर है डॉक्टर हजारी विश्वनाथ द्विवेदी। यह कथन किसका है? बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। सही तरह जॉर्ज क्रिएशन। श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? सही उत्तर है चार। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? सही उत्तर है उत्तरकांड। पूर्ते निकसी रघुवीर वधु धीर धीर दय मग में डग द्वे, यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से उद्धृत है? सही उत्तर है कवितावली। भरत ही होए न राज मद विधि हरि हर पद पाय, कबहुक काजी सिकरनी छीर सिंधु बिलगाय। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है दृष्टांत। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास रचित नहीं है? सही उत्तर है ध्यानमंजरी। श्री रामचरितमानस को तुलसीदास ने कितने समय में पूर्ण किया? सही उत्तर है 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? सही उत्तर है तुलसीदास और सरोजी स्मृति। राम की शक्ति पूजा में हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है रूपक। नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है? सही उत्तर है श्रृंगार। निराला दार्शनिक कवि हैं, यह कथन किसका है? सही उत्तर है डॉक्टर रामविलास शर्मा। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किस कवि की पंक्तियां हैं? सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी की किस रचना को मुक्त छंद की हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है? सही उत्तर है जूही की कली। राम की शक्ति पूजा की रचना निराला जी ने कब की थी? सही उत्तर 1936। चंपू काव्य उर्वशी का रचयिता कौन है? सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? सही उत्तर है रश्मि। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है? सही उत्तर है शैव। यह कथन किसका है? वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं। सही तरह पंडित नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न, पंडित निम्नलिखित पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग की है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पगतल में, पीयू स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। सही तरह लज्जा। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? सही उत्तर है 15। यह कथन किसका है? कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है। सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। कामायनी के प्रमुख पात्र ईड़ा किसका प्रतीक है? सही उत्तर है बुद्धि। निम्नलिखित छंद में कौन सा अलंकार है? माधव धनी आयल कटभाति, प्रेम हेम परखा ओल कसौटी, भादव कहू तिथि राति। सही उत्तर है परम्परित रूपक। निम्नलिखित में से किस नाटक में भारतेंदु जी ने अभिनय किया था? सही उत्तर है जानकी मंगल। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है?
सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल ने। निम्नलिखित में से श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है? सही उत्तर है धीर प्रशांत। निम्नलिखित में से कौन सा अभिनय का भेद नहीं है? सही उत्तर है भारती। यह कथन किसका है? स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम, आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। सही उत्तर है पंडित रामचंद्र शुक्ल। यह संवाद किसका है? रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? सही उत्तर है भट्टार्क। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह किसका कथन है? सही तरह प्रियंग मंजरी। वह कौन सा दोष है जो 100-100 गुणों में भी नहीं छिपता? सही तरह दारिद्र्य। यह कथन किसका है? मैं सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। सही तरह प्रेमचंद। लाल चीन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। सही उत्तर है ब्रजनंदन सहाय। उपन्यास मासिक पत्र के संपादक कौन थे? सही उत्तर है किशोरी लाल गोस्वामी। गोदान के किस पात्र ने ऐसा कहा है, विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार ना पुरुष को है ना स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता को हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। सही उत्तर प्रोफेसर मेहता। बावन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? सही उत्तर मैलाचल। जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी। उसके पहले संभव नहीं, यह कथन किस कहानी से उद्धृत है? सही तरह गिला। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का। यह कथन किसका है? सही तरह डॉक्टर रामविलास शर्मा। शुक्ल जी ने ऐसा किस निबंध में कहा है? हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं। हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है और स्त्री शिक्षा का अभाव है। सही तरह कविता क्या है? यात्रा के लिए निकलती रही है वृद्धि पर हृदय को साथ लेकर। यह कथन किस निबंधकार का है? सही तरह पंडित रामचंद्र शुक्ल। समकालीन मार्क्सवाद ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। सही तरह डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय। विचित्र जीवन था इनका, घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं। फटे चित्रों से अपनी नग्नता कोक ढके जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। यह कथन किस कहानी से उद्धृत है? सही उत्तर है कफन। निम्नलिखित में दलित जीवन पर आधारित कहानी कौन सी है? सही उत्तर है ठाकुर का कुआं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? सही उत्तर है कल्पतरु। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित है? सही उत्तर है चित्राधार। अवस्था भेद के आधार पर कौन सा भेद लोकगीत का नहीं है? सही उत्तर है किशोरों द्वारा गीय गीत। अवस्था भेद के आधार पर रधिया महादेवी वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है? सही उत्तर है बदलू। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्रायः आद्योपांत कहानी लिखता है। आत्मसंस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्मरण लिखता है। यह कथन किसका है? सीता डॉक्टर दशरथ ओझा। लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? सही तरह कृष्णा अग्निहोत्री।
गीता की कसम खाकर कहती हूँ कि जो कहूँगी सच कहूँगी। कचहरी में तो व्यक्ति कटघरे में खड़ा कसम खाकर झूठ बोल जाता है, परंतु आत्मा का कटघरा को बड़ा तीखा है। यह कथा किसका है? सही उत्तर है कृष्णा अग्निहोत्री। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित का लेखक कौन है? सही उत्तर है माधव प्रसाद मिश्र। देश विदेश यात्रा वर्णन का लेखक कौन है? सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्याय है? सही उत्तर है विषमभरा। रित का विलोम शब्द है? सही उत्तर है अन्यर्थ। घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय है? सही उत्तर है अक्कड़। प्रजाहित में कौन सा समास है? सही उत्तर है तत्पुरुष। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर है आठ। श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से है? सही उत्तर है समूहवाचक। उसका सब कुछ लुट गया इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? सही उत्तर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बताओ कि तुम कब लौटे वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन होगा, अपने लौटने का समय बताओ। दुह जो राज की संधि होगी? सही उत्तर है दुराज। संसार शब्द में कौन सी संधि है? सही उत्तर है व्यंजन संधि। उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है, इस वाक्य में पदबंध है? सही उत्तर है क्रिया विशेषण पदबंध। भेद की दृष्टि से पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर है आठ। तिनही सोहाई न अवध बधावा, चोरही चांदनी राति न भावा, इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है प्रति वस्तु उपमा। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? सही उत्तर है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। लिए स्वर्ण आरती भक्त जन करते सख ध्वनि झंकार, इसमें कौन सा काव्य दोष है? सही उत्तर है अयथार्थ। जहाँ बिना कारण के कार्य होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? सही उत्तर है विभावना। विधा की दृष्टि से माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? सही उत्तर है रेखाचित्र। भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी है होती है? सही उत्तर है 10। हरिगीतिका छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? सही उत्तर है 28। निम्नलिखित में रस संप्रदाय का आचार्य किसे माना जाता है? सही उत्तर है विश्वनाथ। भरत मुनि और रस प्रक्रिया के चार व्याख्याकारों में से निम्न में से कौन नहीं है? सही उत्तर है भामा। रस की साधन सामग्री के चार प्रमुख अवयवों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? सही उत्तर है प्रसन्न भाव। गर्भ करहु रघुनंदन जनी मन माहा, देखहु आपने मूरत सिए के छा में कौन सा छंद है? सही उत्तर है बरबे। अनुमितिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? सही उत्तर है संकोक। मैंने सील पहुंचाई ललित निबंध के लेखक कौन है? सही उत्तर है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्रा। मुझे थोड़ी चाय दो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? सही उत्तर है परिणामवाचक। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर है तीन। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, इस वाक्य में रेखांकित वाक्य किस प्रकार का उपवाक्य है? सही उत्तर है संज्ञा उपवाक्य। रूपांतर के अनुसार शब्दों के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर है दो। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर है छह। संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है, और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम माँ नामधारी जीव को सौंपा गया है, यह किसका कथन है? सही उत्तर है माँ देवी वर्मा। पत्थर का लंप पोस्ट साक्षात्कार संग्रह का लेखक कौन है? सही उत्तर है शरद देवड़ा।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक कौन है? सही उत्तर है बलराज मधोक। मास्टर मनबोध की डायरी के रचयिता कौन है? सही उत्तर है डॉक्टर विवेक की राय। जीवन यात्रा का कॉलेज के लेखक कौन है? सही उत्तर है डॉक्टर जगदीश जोशी। नवैश्वर्य का संधि विच्छेद है? सही उत्तर है नव जोड़ ऐश्वर्य। वाक्य में प्रयोग के अनुसार किस शब्द के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर है आठ। निम्न में से कौन सा शब्द अविकारी है? सही उत्तर है अचानक। व्याकरण पढ़ने से मनुष्य अच्छा लेखक या वक्ता नहीं हो सकता। विचारों की सरलता तथा असत्यता से भी व्याकरण का कोई संबंध नहीं। भाषा में व्याकरण की भूल ना होने पर भी विचारों की भूल हो सकती है, रोचकता का अभाव रह सकता है। यह कथन किसका है? सही उत्तर है पंडित कामता प्रसाद गुरु। विशेषण के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर है चार। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर है तीन। ढोलकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सही उत्तर है ई। हम हारी के है हा पाइन पारियो प्यारो लेहु कहा उजहू किए तेह तरयो त्योरो बिहारी। इस दोहे में कौन सा रस है? सही उत्तर है विप्रलंब सिंगार। वाणी की चार अवस्थाओं में से निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? सही उत्तर है लधीमा। निम्नलिखित में से शब्दालंकार कौन सा है? सही उत्तर है यमक। पूत कपूतों का धन संचय, पूत सपूतों का धन संचय, इसमें कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है लाटानुप्रास। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजति कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, इसमें कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है स्वभावोक्ति। मौलिक रूप से व्यंजना कितने प्रकार के बनती है? सही उत्तर है तीन। गद्यांश के प्रश्नों को देखते हैं। बैर में क्रोध का वेग है, वेग सही उत्तर है कम हो जाता है। बैर करने के लिए आवश्यक है सही उत्तर है धारणा शक्ति। दुख पहुंचाने के साथ ही दुखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा देने वाला मनोविकार है सही उत्तर है क्रोध। शिशुओं और मानवेतर प्राणियों में वैर सही उत्तर है नहीं होता है। चूहे और बिल्ली के संबंध में बैर शब्द है सही उत्तर है आलंकारिक। छह ककार सिद्धांत क्या कहाँ कब कैसे क्यों किसने का प्रतिपादन किसने किया? सही तरह एडविन एल सुमेन। अखबार उद्योग में संपादक नाम की संस्था गतिरोध पैदा कर रही है, इसीलिए पूरे समाचार पत्र उद्योग में सामंजस्य लाने और उसे प्रतियोगिता में उतारने के लिए प्रबंधन और संपादन में एकीकरण लाना बहुत जरूरी है। यह कथन किसका है? सही तरह समीर जैन। प्रेस परिषद जांच प्रक्रिया विनियम कब बनाया गया? सही तरह सही तरह 1979 ईस्वी। हिंदी क्षेत्र से निकलने वाले प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार का संपादन कौन था? सही तरह गोविंद थत्थे। बहुजन अधिकार पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ से हुआ था? सही तरह मेरठ। अनेक व्यक्तियों की अभिरुचि जिस बात में हो वह समाचार है, समाचार की यह परिभाषा किसकी है? सही उत्तर है विलियम जी ब्लेयर। प्रेम परिषद अधिनियम कब बनाया गया था? सही उत्तर है 1978 ईस्वी। प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब बनाया गया? सही तरह 1867 ईस्वी। मध्य समाचार पत्र के सभी संस्करणों का कुल परिलन कितना होना चाहिए? सही तरह 15,000 से 50,000। भविष्य के अखबार ज़्यादा रंगीन बेहतर कागज़ और छपाई वाले रहेंगे लेकिन उनमें आत्मा नहीं होगी, यह कथन किसका है? सही तरह बाबूराव विष्णु राव पराड़कर। CSDS के एक सर्वे में यह पाया गया कि अंग्रेजी और हिंदी के छह बड़े अखबारों में ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी खबरों के लिए जगह मिलती है।
सही तरह 2 से 3 फीसदी। 2009 तथा 2014 के चुनाव में समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनलों ने उम्मीदवारों से धन लेकर खबरों को छापा, क्या यह सही तरह सत्य है? मैं जानता हूं कि तुम्हारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द गलत है, फिर भी तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यह कथन किसका है? सही तरह वाल्टेयर। गद्यांश के प्रश्नों को देखते हैं। उपर्युक्त पद्यांश के साथ साथ पहाड़ वाले से कवि का तात्पर्य है, सही तरह सतपुरा पर्वत। जंगल का जीवन है, सही तरह कष्टप्रद। जंगल में झोपड़ी है, सही तरह आदिवासियों की। अगला प्रश्न। उपर्युक्त पद्यांश का उचित शीर्षक है, सही तरह सतपुड़ा के जंगल। गद्यांश के प्रश्नों को देखते हैं। उपर्युक्त पद्य का उचित शीर्षक है, सही तरह मोची। जूतों से बाबू लोगों का धज सवरता से कवि का आशय है, सही तरह सुंदरता बढ़ाना। कविता में मानव किसकी ऊंचाई के गुण बखानता है, सही तरह ईश्वर। मैं पथ की पटरी पर बैठा कला बेचता पंक्ति में है, सही तरह मोची। गद्यांश के प्रश्नों को देखते हैं। सही सही कलात्मक चित्र प्रस्तुत करने के लिए लेखक की दृष्टि में सर्वाधिक आवश्यक तत्व है, सही तरह विश्व दृष्टि। लेखक के अनुसार साहित्यिक विकास में मुख्य बाधक तत्व है, सही तरह विशिष्ट अनुभवों की प्रधानता। साहित्यकार का साहित्य लेखक के अनुसार प्रवृत्तिवश चयनित है, सही तरह अनुभव। सामान्यतः लेखक अपने लेखन में प्रमुखता देता है, सही तरह विशिष्ट अनुभवों को। उत्कृष्ट लेखक सही तरह प्रवृत्तिवश अनुभवों का चयन नहीं करता। मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा, यह कथन किसका है? सही तरह नागार्जुन। हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप किस साहित्यिक विधा में प्रकट हुआ है? सही तरह उपन्यास। कहानी के निम्न तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व कौन सा है? सही तरह कथा वस्तु। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में संचारी भावों की कितनी संख्या का उल्लेख किया है? सही तरह 33। सुधा चौहान का लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी है? सही तरह सुभद्रा कुमारी चौहान। सिर पर जूता पैर पे टोपी ने नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया, इस कविता का रचयिता कवि कौन है? सही तरह लक्ष्मीकांत वर्मा। धर्मवीर भारती का अंधा युग क्या है? सही तरह काव्य नाटक। दूर दूर तक विस्तृत था नभ तब उसी के हृदय समान, प्रसाद जी की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही तरह प्रतीप। निराला के दुर्लभ पन्नों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के किस खंड में किया है? सही तरह निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड। सात्विक भाव कितने प्रकार के होते हैं? सही तरह 8। अनुभवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? सही तरह 4। द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट किस सन में पारित किया गया था? सही तरह 1949। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा रेवंश राय बच्चन द्वारा लिखित नहीं है? सही तरह अपनी खबर। प्रतीप अलंकार के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर है 5। देशज वे शब्द हैं, सही उत्तर है, जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? सही उत्तर है 4। आस्था के चरण निबंध संग्रह के लेखक कौन है? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। वायु सखा का पर्यायवाची कौन सा है? सही उत्तर है अग्नि। अनुपभुक्त का विलोम होगा? सही उत्तर है उपभुक्त। अब्ज का अर्थ होता है? सही उत्तर है कमल। अब्द का अर्थ होगा? सही उत्तर है स्वर्श। निरूपण में उपसर्ग है? सही उत्तर है नी।